वेल विशर बोलता है जिसको घुमा के आप विश मांग सकते हो, पूरा बोला जाता है उसको पूरा होता है। चलो आज मैं ट्राई करके देखता हूँ कि क्या विश पूरा होता है। जो दिखा देख सकते हो आप कितना हाइट में है बुद्धा टेम्पल, और जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ से ना आप साइड सीन देख सकते हो, पूरा पहाड़ी पहाड़ इधर में। इसमें जितने भी शायद मेरे जितने शहीद सिपाही है उनका आपका नाम है यहाँ पे, क्योंकि इस बार मैं शायद शहीद हुआ था मेरे ख्याल से। तो गाइस रात को हम लोग दीदी घर पर रुका, एंड अभी हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं तावांग के लिए। वहाँ पे डी सी ओपी परमिट बनाना पड़ेगा बुमला पास के लिए, एंड सब रेडी हो गया, एंड भाई लोग सब रेडी कर रहा है, गाड़ी भी रेडी कर रहा है, बैकपैक हो गया। चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और आगे का जर्नी मैं आपको दिखाता हूँ रोड पे कि कैसा है। अपना गाड़ी का हालत देखो पहले, दोनों गाड़ी रात को यहाँ पे पार्क किया, ठीक है, गाड़ी पूरा गंदा हो रखा है फुल। सो गाइस हम लोग ना अभी लुमला से निकल रहे हैं दीदी के घर से बाय बाय बोल के, अभी निकल चुके हम लोग तावांग के लिए, जो कि रहेगा कम से कम 1.5 घंटा का सफ़र। यहाँ से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर रहेगा। चलो चलते हैं तावांग एंड दीदी के घर में, अच्छा खाते जारी होगा हम लोगों का सबका भी। आज का सफ़र रहेगा तावांग तक, तो चले चलो तावांग। यहाँ से तावांग गेट मतलब तावांग का जो एंट्री गेट है ना, ये लुमला साइड अलग है और तावांग का लाइन अलग है, तो तावांग गेट यहाँ से अप्रॉक्स 35 किलोमीटर। यहाँ से पूरा नीचे का सीन नज़र आ रहा है, बट थोड़ा थोड़ा फॉग जमा हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो गाइस अभी हम लोग ना तावांग रोड ले लिया, लुमला का रोड से अभी तावांग रोड ले लिया, लुमला रोड से निकल के दीदी का जो घर जाना रास्ता था उससे निकल के तावांग का रोड ले लिया। तो यहाँ से तावांग अप्रोक्स 10 किलोमीटर से रहेगा, एंड तावांग में जाकर सीधा डीसी ऑफिस वहाँ पे जाकर हम लोग को जो बुमला का है ना उसका पास बनाना पड़ेगा जहाँ पे चाइना बॉर्डर है, ठीक है। तो वहाँ पे भी बहुत सारा जगह है वाई जंक्शन में, जैसे आपका बुमला पास हो गया, एंड फिर माथुर लेक हो गया, फिर क्या TPS या PTS लेक ऐसा भी कुछ है, वो सब विजिट करने का ट्राई करूँगा क्योंकि यहाँ पे तो हर बार आना नहीं होगा ना। बट दिक्कत यह रहा ना, आज और कल होली है, ठीक है, तो पता नहीं आज तो खुला रहेगा बट कल खुला रहेगा कि नहीं वो ऑफिस, वो मुझे आइडिया नहीं है, पर जाके देखते होप करता हूँ खुला रहे और परमिट मिल जाए बुमला का, बस यही होप कर रहा हूँ। एंड गाइस आप सभी लोगों को हैप्पी होली मेरे तरफ से, ये हैप्पी होली बहुत पेंडिंग में मिलेगा, बहुत बाद में मिलेगा, बट फिर भी हैप्पी होली। बस वेलकम टू के बाद तिब्बत में कुछ लिखा हुआ है मतलब यहाँ का लोकल लैंग्वेज में, बट मुझे पता नहीं चल रहा है, बट सिर्फ वेलकम ही आ रहा है, मैक्सिमम बोल के वेलकम मिल रहा है। एंड यहाँ से देख सकते हो आप गाइस पूरा जो बर्फ वाला पहाड़ है ना, पूरा स्नोफॉल है, स्नो ही स्नो है, पूरा ग्लेशियर में व्हाइट फैला हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखने में। मॉर्निंग भाई काफ़ी अच्छा जा रहा है हम लोग का, होप करते ऐसे सब कुछ अच्छा जाए और फर्स्ट क्लास जाए। एंड वहाँ से देख सकते हो आप बुद्धा टेम्पल क्या खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, वहाँ पे भी जाना है हम लोग आज, परमिट डाल के ना सब खत्म करके बुद्धा टेम्पल जितना भी लोकल साइट सीन है सब कर लूँगा आज यहाँ पे, बस भगवान करे परमिट बन जाए। यही है शायद डीसी ऑफिस मुझे लगता है, हेटे नहीं गया वो, चलो जेरोक्स जेरोक्स डीसी ऑफिस अब जेरोक्स जेरोक्स सब नहीं ना दुई कॉपी ऐसे बंद करो भाई। ये है डीसी ऑफिस, तो यहाँ पे परमिट सबमिट करना पड़ेगा, मतलब पहले हम लोग पूछ के आते क्या क्या चाहिए एंड फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चाहिए रहेगा डॉक्यूमेंट्स में। ऐसे तो मुझे पता है, मैं वीडियो में देखा है, बट अभी जाके देखते एक बार। सो गाइस अभी का सीन ऐसा है ना, जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है ना, हम लोग पहुँच गया जो पूछताछ कर लिया, तो अभी जो है ना जो सर या मैडम जो बनाते हैं ना, तो वो अभी यहाँ पे है नहीं, थोड़ा कुछ काम से बाहर है, तो अभी हम लोग 12:30 बजे आने वाले हैं, तब जाके हम लोग का वो परमिट बना पाएगा।
तो तब तक ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का बुद्धा टेम्पल है जो कि बहुत ऊँचा है, जो आप देख सकते हो हमारा सामने ठीक उस जगह पे, वो यहाँ पर जाके विजिट करके आते हैं। तो चलो पहले विजिट करके आते हैं बुद्धा टेम्पल, जो कि काफ़ी ऊँचा है, मतलब बहुत हाइट है उसका। अभी तक सिर्फ मैं मैप में जब सर्च कर रहा तवांग उसका मैप में देखा था, बट आज देखूँगा रियलिटी में। एंड चल आपको भी दिखाता हूँ तवांग का बुद्धा टेम्पल, यहाँ पे बहुत सारा बुद्धा टेम्पल है ठीक है। तो हम लोग इसमें जा रहे हैं अभी, तवांग का फीलिंग जो है ना बहुत ऑसम है, और जो पहाड़ का चढ़ाई है ना बहुत ऊंचा यार। स्कूटर को खींचने नहीं मांगता है, बट फिर भी स्कूटर खींच रहा है जैसे तैसे, पिलियन का साथ डबल जय बाबा विश्वकर्मा। बुद्धा में एक मंत्र है, अगर आप लोगों को पता है तो जरूर सजेस्ट करना, मैं बहुत पहले सुना था कुछ वरदम सरदम गच्छामी ऐसा कुछ था मंत्र, अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, मुझे याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ था बुद्धा टेम्पल का मंत्र, जब बुद्धिस्ट लोग का मंत्र होता है ये, क्योंकि हम लोग का आपास में एक बुद्धा मंदिर है, तो मैं सुनता था सुबह सुबह लोग को गाना गाता था जब। मेरा फ्रंट में देख सकते हो आप कितना बड़ा है यार, ओहो हो खतरनाक, काफ़ी खतरनाक, वाओ। गाइस देख सकते हो ऊपर में बुद्धा टेम्पल काफ़ी खूबसूरत है, अंदर में शायद पूजा वगैरह कुछ हो रहा होगा, वाह वाह। सो गाइस फाइनली हम लोग बुद्धा टेम्पल पहुंच गए, जो कि अभी तक हम लोग ने ना फोटोज और वीडियोज में देखा था या फिर गूगल में देखा था, तो अभी फाइनली इस मेरा सामने बुद्धा टेम्पल जो कि बहुत ऊंचा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा है चीज़ है जो वेल विशर बोलते हैं, इसको वेल विशर बोलते हैं, उसको इसमें वेल विशर बोलता है जिसको घुमा के आप विश मांग सकते हो, पूरा बोला जाता है इसको पूरा होता है। चलो आज मैं ट्राई करके देखता हूँ कि क्या विश पूरा होता है, चलो दिखाते हैं आपको बुद्धा टेम्पल पहले यहाँ से। और देख सकते हो आप कितना हाइट में है बुद्धा टेम्पल, और जो कि बहुत खूबसूरत है, यहाँ से ना आप साइड सीन देख सकते हो आप, पूरा पहाड़ी पहाड़ इधर में ग्लेशियर में। ये सब जो घुमरा देख लो आप लोग, इसको वेल विशर बोला जाता है, इसको घुमाने से आपका दिल का मनोकामना पूरा होता है बोलता है। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा वाला वेल विशर है, इसको घुमा के आपको इसको ये सर्कल को कम्प्लीट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा है। और ऊपर में कोई राजा का स्टैचू लगा है, आप देख सकते हो ऊपर में, मुझे ठीक आइडिया नहीं है, बट ये जो वेल विशर है ना काफ़ी भारी है और घुमाने में काफ़ी तकलीफ होता है, तो आप घुमा के इसको मान सकते हो। ठीक इसका बैक साइड में देख सकते हो यहाँ पर मिलिट्री बेस है, एंड बाकी पीछे में पूरा ग्लेशियर दिख रहा है आपको इधर से पूरा उधर तक, बीच में पूरा ग्लेशियर का पहाड़ है, और बीएसएफ आर्मी वाला कैंप है, और पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत टाइम का प्लान था बट आज जगह सक्सेस हुआ।
मुझे। सो गाइस अभी हम लोग ना बुद्धा टेम्पल को अलविदा कर दिया एंड अभी जा रहे हैं डीसी ऑफिस में, क्योंकि टाइम हो चुका था, हम लोगों का टाइम दिया था 12:30 जाके देखते वो मैडम या सर आया है कि नहीं। यहाँ पे आई लव तवंग का बैनर है, लव तवंग, यहाँ से पूरा तवंग सिटी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पूरा तवंग से दिखता है। वहाँ पे है मॉनेस्ट्री, बुद्धा मॉनेस्ट्री। को पहले हम लोग जाते हैं डीसी ऑफिस, उसका पहले का ना जेरोक्स, जो कि बहुत ज़रूरी है जेरोक्स। प्रिंट आउट हो जाए, तीनटा कर लो नी, तीनटा तीनटा कर लो भलो नी, जो कोई लगे जाए एक कपि ठीक है। हाँ यहाँ पे हम लोग जेरोक्स कर लिया अपना ILP परमिट, दो कॉपी ले लिया, दो कॉपी आधार कार्ड का, दो कॉपी, एक कॉपी सबका, एक एक कॉपी। ड्राइविंग लाइसेंस और RC, पॉल्यूशन इंश्योरेंस और इंश्योरेंस। यहाँ पे वो 22 पेज है, 22 पेज का 200 रुपया हुआ, मतलब पर पेज का 10 रुपया। ठीक है ना, आप लोग जेरोक्स कराते हो ना अपने लोकल से करा के लाना, यहाँ पे मत लाना, आपका 200 रुपया खाने का खर्चा निकल जाएगा कम से कम। यहाँ पे 22 रुपये का जेरोक्स 200 रुपये में करना पड़ा। तो चलो अभी जाते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। सो गाइस हम लोग 22 पेज जेरोक्स किया, इसका चार्जेस आया 220 रुपये, हम लोगों ने 200 रुपये दिया। तो ये बहुत कॉस्टली, यहाँ पे जेरोक्स का भी एक पेज का 10 रुपये लेता है, तो सही रहेगा ना आप लोग अपने यहाँ पे करवा के लाओ, वो सही रहेगा, तो बेस्ट तरीका रहेगा। आप कहाँ से करा करें तो 22 या 30 रुपये तो हो जाएगा, बट यहाँ पे तो बहुत भयंकर प्राइस है जेरोक्स का। जेरोक्स में क्या क्या, आधार कार्ड का 2 सब जो जो बंदा है ना, जो 4 बंदा का 2 कॉपी आधार कार्ड, गाड़ी का RC का 2 कॉपी, 2 गाड़ी का, फिर ड्राइविंग लाइसेंस का 2 कॉपी, इंश्योरेंस का 2 कॉपी, RC का 2 कॉपी, और पोल्यूशन भी करवा लिया, नहीं चाहिए फिर भी करवा लिया। ये 5 चीज़ों को लेके आपको DC ऑफिस जाना पड़ेगा, जो कि हम जा रहे हैं DC ऑफिस। DC ऑफिस में ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जाना पड़ेगा होटल में, मतलब होटल ढूंढना पड़ेगा, जो कि हम लोग अब जो लगेज वगैरह सब रख के फिर थोड़ा फ्रेश होके फिर निकलेंगे बाकी के जितने भी साइट सीन है, लोकल साइट सीन वो करने के लिए। ये बुद्धा टेम्पल कर लिया, अभी बुद्धा मॉनेस्ट्री जो है वो कर लेगा, एंड फिर आसपास बहुत सारे 2-3 हैं, वो सब भी होगा तो कर लेगा। अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 1:10-15। हाँ गूगल में सर्च करके आ जाना आप लोग DC ऑफिस कहाँ पे, आपको मिल जाएगा। आज का दिन बंद है ना, इसलिए हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, ये शायद ट्रैफिक होता था। हाँ। इतना छोटा छोटा रास्ता है। DC ऑफिस जाने के बाद ना मैम तब तक भी नहीं आ चुका था, तो हम लोग पूछताछ करके मैम का घर का एड्रेस निकाला, फिर घर गया, घर में भी मैम नहीं था। फिर हम लोग DC ऑफिस आया, वहाँ से कोई स्टाफ से फ़ोन नंबर लिया मैम का, फिर मैम को फ़ोन किया, फिर जाकर पता चला कि मैम ऑफिस में ही है, मतलब कोई कहीं पर था, तो हम लोग तब जाकर परमिट बनाया। उस टाइम तक ना इतना भागा दौड़ी हुआ ना, मैं और वीडियो बनाना भूल गया था, तो सीधे हम लोग किया उसके बाद वार मेमोरियल, जहाँ पे आपको नेक्स्ट कॉपी जमा करना पड़ता है, जहाँ पे आपको DC ऑफिस से जो स्टाम्प वगैरह देके भेजेगा ना, तो आपको ये वार मेमोरियल जमा करना पड़ता है। तो आप देखो वार मेमोरियल जाने के बाद मैंने कैमरा ऑन किया और मैं प्रॉपर भूल गया था कि मुझे वीडियो ऑन करना था बोल के, मतलब क्या बात। और ऊपर से यहाँ पे था BSF कैम वगैरह, इसलिए भी कैमरा ऑन नहीं करना था यहाँ पे, तो जो हुआ अच्छा के लिए हुआ। तो चलो देखो आप लोग यहाँ से वार मेमोरियल, ये हमारे सामने देख सकते हैं वार मेमोरियल है, ठीक है। यहाँ पे मैं परमिट सबमिट करने आया था, यहीं पे वार मेमोरियल है, तो मैं आपको दिखा दूँ अंदर में कैसा है वार मेमोरियल। इधर में जितने भी शायद मेरे जितने शहीद सिपाही हैं उनका आपका नाम है यहाँ पे,
क्योंकि इस बार मैं शायद शहीद हुआ था मेरे ख्याल से। हर जगह पे नाम देखने मिल जाएगा आपको पूरा, सब बहुत सारा सिपाही का नाम है यार। सोच सकते हो यार, हम लोग इंडिया के लिए, भारत के लिए इतना लोगों का जान जा चुका है अभी तक। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे सर जोगेंद्र सिंह का स्टेचू बना हुआ है। यहाँ पर बिमला किसी आदमी का नाम है, उसका नाम नहीं रहा है, वो गुजर गया था तो उसका अस्थि में रखा हुआ है सर। बिमला जीबी खान, फिर पंकला जसवंत घर ऐसा टाइप का है मतलब वो लोग का। और यह हो गया सुबेदर जोगेंद्र सिंह पी बी सी फर्दर मशीन बनने शायद LMG ब्रेंट 303 MK1 W50 असेंबली। यह हो गया था सुरेंद्र सिंह, कमांडर ऑफ प्लाटून ऑफ 1/6 होल्डिंग डिफेंस पोजीशन मैटर।